नदीश्वर धाम नादिया घाट पर जाने वाला रोड तोमर कंपनी के द्वारा फिर से बंद कराया जा रहा है। इस रोड के बंद हो जाने से जहां बरसों पुराने धार्मिक स्थल पंचमुखी हनुमान और नदीश्वर धाम बरसात में डूब जाएंगे, वहीं दूसरी ओर किशनपुरा के किसानों को बेलघाट होकर अपना गेहूं और अपना भूसा लाना पड़ेगा, जो कि रोड से 3 किलोमीटर दूर का चक्का होगा। इस संदर्भ में कल पूरे क्षेत्र में लोगों ने पुल पर जाकर आंशिक चक्का जाम कर तोमर कंपनी को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया और क्षेत्रीय विधायक प्रदीप लारिया ने भोपाल में संबंधित अधिकारियों से चर्चा भी की। इसके पूर्व में नंदीश्वर सेवा समिति के अध्यक्ष और मंत्री प्रतिनिधि गुलाब सिंह राजपूत ने सभी सदस्यों के साथ और विधायक के साथ माननीय कलेक्टर को अवगत कराया था, तो पुलिया की स्वीकृति हो गई थी। अचानक फिर से इस पुलिया को बंद किया जा रहा है। क्षेत्रवासियों ने कंपनी वालों और प्रशासन से यही पुलिया बनाने की मांग की है, जिससे धार्मिक स्थान बच सके और किसानों की समस्या का भी हल हो सके। इस अवसर पर भगवती प्रसाद यादव, वैजनाथ यादव, हरिराम यादव, विधायक प्रतिनिधि कृष्ण मुरारी यादव, आलम यादव, रघुवीर यादव, किशोर यादव, घनश्याम यादव, दिलीप भोंसले, पूरे जैन, हरिओम यादव आदि गाँव के सैकड़ों लोग उपस्थित थे। किशनपुरा से के यादव की रिपोर्ट। एक तोमर कंपनी के पीएम श्री कुशवाहा जी को ज्ञापन के माध्यम से हम सबकी भावनाओं का अवगत कराया है कि चूँकि यहाँ पर बहुत बड़ा एक ज्योतिर्लिंग द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर है, जिसमें श्रद्धालु आते जाते हैं। एक प्राचीन पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है। यदि पुलिया नहीं बनी तो सारे मंदिर डूब जाएंगे बरसात में और किसानों को बहुत 3 किलोमीटर का चक्कर लगा कर आना पड़ेगा। तो हम लोगों ने प्रशासन से मांग करते हैं कि यहाँ पुलिया ही बनाई जाए, जिससे नीचे से लोग आ जा सकें, किसान अपना काम भी कर सकें और मंदिर को दर्शनार्थी भी कर सकें।